जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक छोटा सा, कोई जो हमें फ़ीडबैक मिला उसके मुताबिक हम आपको आज बताएंगे कि बहुत सारे आपने जो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं या बाज़ वक़्त किसी अदारे में किसी और काम के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो वो आपसे एक एफिडेविट मांगते हैं कि आप ये दें कि आपका कोई इसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है पास्ट में, या आप किसी फौजदारी मुकदमे में आप मुलव्वस नहीं हैं, या आप किसी इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं हैं। तो वो उस वक़्त आपको एक खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है और आपको एफिडेविट की समझ नहीं आती कि बाज़ वक़्त कि हम इसको कैसे तैयार करें। तो आज हम आपको बताएंगे, स्क्रीन पे हम आपको दिखाएंगे भी इसका जो सैंपल है कि किस तरह तैयार करना है, आपको ब्रीफ भी करेंगे कि आपने इस एफिडेविट को जो इसमें आपका शो हो कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आप उसको किस तरह तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप जिस पाकिस्तान के जिस सूबे में रहते हैं उसके मुताबिक वहाँ से जो एफिडेविट के जो स्टैम्प पेपर है उसकी जो फ़ीस है उसके मुताबिक आप स्टैम्प पेपर परचेज़ करेंगे। यहाँ हमारे पंजाब में जो एफिडेविट के लिए जो स्टैम्प पेपर जो यूज़ होता है उसकी फ़ीस 50 रुपये है। इस्लामाबाद में कम है, बलोचिस्तान सिंध और KPK में आप जो डिफरेंट फ़ीसें वहाँ चल रही हैं उसके मुताबिक आप जो स्टैम्प पेपर है वो आप परचेज़ करेंगे और जो स्टैम्प वेंडर है उसको आप बताएंगे कि आपको ये फॉर द पर्पज़ ऑफ एफिडेविट आपको ये स्टैम्प पेपर चाहिए। अब आप एफिडेविट जब लेंगे तो उसके बाद आपको बड़ा इजी है, आप तकरीबन हर बंदे के घर में अपना कंप्यूटर है, प्रिंटर है, तो आप इस एफिडेविट को अपने कंप्यूटर पे बआसानी तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आप टॉप पे इसकी हेडिंग देंगे, एफिडेविट आप लिखेंगे, उसके बाद आप नीचे से इसकी इस तरह जो आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, वैसे तो आप स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा होगा इसका जो सैम्पल है कि आप लिखेंगे आई आई से मैं इसमें जो आगे डैश हमने दिया हुआ है यहाँ पर आप अपना पूरा नाम लिखेंगे, वो नाम लिखेंगे जो आपके आई कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। आज अगर आपका जो चिप वाला कार्ड बना हुआ है तो उसके ऊपर बकायदा जो इंग्लिश में जो हरूफ में लिखे हुए हैं वो आप जो स्पेलिंग है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट आपका जो इसमें जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है सन ऑफ, डॉटर ऑफ, अगर आप मेल हैं तो आप अपनी वल्दियत लिखें, अगर आप फीमेल है तो जो आए कि आप इसमें अपनी दुख्तर लिखेंगे कि आपके वालिद का क्या नाम है। नेक्स्ट कॉलम में आप रेजिडेंट लिखेंगे, वो अगेन वो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, जो आपका मेलिंग एड्रेस है, या जो आपका आईडी कार्ड पर कंफर्म एड्रेस है वो आप इस पर मेंशन करेंगे। अगर आपके डिफरेंट एड्रेस हैं तो आप इसमें दो एड्रेस जो आपके डिफरेंट है, एक आपका परमानेंट एड्रेस वो लिख सकते हैं और जो टेम्प्रेरी है वो आप लिख सकते हैं, वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट में फिर आप लिखेंगे होल्डर CNIC, CNIC स्टैंड्स फॉर कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, यहाँ पे जो आपका CNIC का जो नंबर है वो आप इसमें मेंशन करेंगे। नंबर मेंशन करने के बाद आप लिखेंगे डू हेयर बाय सॉलमनी अफर्म्स एंड डिक्लेयर्स ऑन ओथ एज अंडर, याद रखिए जितने भी एफिडेविट फर्निश किए जाते हैं वो ऑन ओथ होते हैं कि आप उनकी जितनी भी उसकी तहरीर होती है आप उसको बरहल्फ बयान करते हैं, इसलिए आपने जब भी एफिडेविट तहरीर करेंगे इस बात का ख्याल रखना है कि आपने किसी किस्म की गलत बयानी इसमें नहीं करनी और झूठ से काम नहीं लेना। नेक्स्ट पैरा में हम इसमें लिखेंगे दैट फैक्ट मेंशन इन एप्लीकेशन फॉर, अब आपने जिस अदारे में जो एप्लीकेशन फ़ाइल की है इसमें उसका रेफरेंस देंगे आगे इस लाइन में, उसका रेफरेंस देने के बाद आगे आप लिखेंगे इज़ ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। नेक्स्ट पैरा एक बना लेंगे दैट नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और प्रोसीडिंग फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वर एवर इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द डेपोनेंट इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट पैरा में आ जाएंगे, एक बनाएंगे हम फिर इसके बाद दैट आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस एंड हैव नो एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड। अब ये जो नो क्रिमिनल रिकॉर्ड है ये आपका अगर आपको फर्दर आपको जो डिपार्टमेंट जिसमें आपने किया है अगर आपसे करते हैं तो आपको जो जो लोकल पुलिस स्टेशन है जहाँ भी आपकी रिहाइश है वो आपको इसका जो नो क्रिमिनल रिकॉर्ड का एक लेटर जारी करेंगे। नेक्स्ट में इसमें आपने ये जो आपने चार पैराग्राफ बनाए हैं इसमें कंक्लूडिंग पैरा आखिर में लिखेंगे दैट द अबव कंटेंट्स आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीव एंड नथिंग हैज़ बीन कंसील्ड, आई वुड बी लाइबल टू प्रोसिक्यूट कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द अबव सेड। नीचे डेपोनेंट में आपके साइन हो जाएंगे, अगेन फिर आप नीचे इसको अगेन जो अपनी आपने लिखी है ऊपर सारी इसको आप अगेन वेरीफाई ऑन ओथ करेंगे। नीचे आपको वर्डिंग नज़र आ रही है लिखा वेरीफाइड ऑन ओथ, आगे जो लाइन है इसमें अगर आप इस्लामाबाद के रहायशी हैं तो इस्लामाबाद लिखेंगे, रावलपिंडी के रावलपिंडी लिखेंगे, अगर जिस भी आप ज़िले के रहायशी हैं यहाँ पे आप अपने ज़िले का नाम लिखेंगे। ऑन दिस डैश लिखा हुआ है इसमें आप तारीख लिखेंगे जिस तारीख को लिख रहे हैं, डे ऑफ के बाद जो लाइन है इसमें आप मंथ
लिखेंगे जिस मंथ में आप तैयार कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर आप जून में कर रहे हैं तो यहाँ जून आ जाएगा, 2020 साल का आ जाएगा। दैट द कॉन्टेंट्स ऑफ माई अबव एफिडेविट आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव एंड दैट नथिंग मटीरियल हैज़ बीन कंसील और विद हेल्ड। नीचे डेफोरेंट में अगेन आपके साइन आएंगे, ऊपर आप उसके कॉन्टेंट्स को कर रहे हैं, नीचे जो आप उस कॉन्टेंट्स को वेरीफाई कर रहे हैं, नीचे आप उसको अगेन वेरीफाई करके आपके सिग्नेचर होंगे। मजीद आप डेफोरेंट के नीचे अपना CNIC नंबर लिखेंगे, आपका इसमें थम होगा, आपका आप स्टैम्प से थम अपने स्टैम्प पैड से थम लगाएंगे और साइन करेंगे। उसके बाद आप इसका एफिडेविट जब आपका तैयार हो जाएगा तो आपको कचहरी में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ओथ कमिश्नर के पास या आप लेके जाएंगे तो वो आपके इस कंटेंट्स को अगेन इसको वेरीफाई करेंगे, अपनी स्टैंप लगाएंगे, जिसके बाद आपका ये एफिडेविट कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिए जो भी आप एफिडेविट फाइल करें किसी भी अदारे में उसकी ओरिजिनल जो है वो आप मुतलका अदारे में फ़ाइल करेंगे, लेकिन उसकी एक फ़ोटोकॉपी आप अपने रिकॉर्ड में रखेंगे ताकि फ्यूचर किसी भी स्टेज पर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस की ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास उसकी फोटोकॉपी हो। उम्मीद है आपको ये हमारा ये एफिडेविट जो तैयार करने का तरीका है ये आपको समझ आया होगा, और नेक्स्ट टाइम आप घर में अपने एफिडेविट इस तरह खुद तैयार करेंगे यकीनन बहुत आसान लगा होगा आपको और इस तरह से आपकी मालूमात में इजाफा भी होगा। मज़ीद आपको कोई मालूमात किसी और टॉपिक के बारे में, किसी और सब्जेक्ट के बारे में आपको चाहिए हो, आप हमें आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, हम ज़रूर आपको इसके बारे में इसको आगाह करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आप आने वाले इस किस्म की अपडेट्स को और लॉ के जो लेक्चर्स हम दे रहे हैं आपकी आसानी के लिए, आपकी सहूलत के लिए, ताकि वह आपको बर वक्त मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।